नमस्कार, मैं विठ्ठल शेके हूँ, श्रीमती माध्यमिक विद्यालय वेळगे यहाँ के एक अध्यापक हूँ। और मुझे ये खुशी हो रही है आपको कहने की और आपके सामने कहने की कि हमारे स्कूल में तकरीबन 200 से ज्यादा छात्र जो है हमारे स्कूल के, वो छात्र स्टेप अप पे रजिस्टर्ड है। केवल रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनमें से बहुत सारे छात्र जो है फ्रिक्वेंटली ये स्टेप अप नामक का जो ऐप है इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं। और हमें यह फर्क दिखाई दे रहा है कि इस दिनों में, कई दिनों बाद जब स्टेप अप यूज करने लगे बच्चे, तो उनमें उनके पढ़ाई में थोड़ी जो सुधारना, जिसे हम कहते हैं कि ताकि उनका जो प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे तो हमारा जो स्कूल है ये एक वेलगेम नामक गांव में दिचोली तालुका के गोवा राज्य में है। और ये पूरे की पूरे हमारा इलाका ग्रामीण इलाका होने की वजह, यहाँ के बच्चों जो है ट्यूशन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं। और उसी की वजह से अच्छी ऐसी कुछ चीज चाहिए थी जहाँ के, जिस माध्यम द्वारा हमारे बच्चों को ये सब जो करिकुलम है, इसके अलावा कुछ जो एक्स्ट्रा ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जो जनरल नॉलेज कहते हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई तरी रास्ता चाहिए था। तो स्टेप अप ये एक अच्छी तरह से एक ये रास्ता जो है उन्होंने दे दिया है। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो टीचर्स है, जो सब्जेक्ट टीचर्स है, स्पेशली साइंस और मैथ सब्जेक्ट के टीचर्स है, नहीं तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है जो हेडमिस्ट्रेस होगी वो है, वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इस तरह के कर सकते हैं कि स्टेप अप के द्वारा बच्चों का डैशबोर्ड जो है, ये डैशबोर्ड हमें दिखाई देता है और उसमें से कितने बच्चों ने फ्रिक्वेंटली ये ऐप यूज किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम्स आंसर किए हैं, कितने बच्चों ने आंसर्स जो है करेक्ट आंसर किए हैं, ये सब कुछ हम लोग इस डैशबोर्ड द्वारा पा सकते हैं, डैशबोर्ड द्वारा हम देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो ऐप है जो है, जिसमें से स्टेप अप नामक का ऐप अग्रसर रहा है। आज अगर हम देखेंगे तो इस 21वें शतक में देखेंगे तो हमारे बच्चों के लिए स्टेप ऐप बहुत 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 यूजफुल है। और मेरी विनती है कि ऐसे ये जो ऐप है, ये ऐप आप अपडेट करते रहना, ताकि हमारे बच्चे इससे ज्ञान जो है ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।